फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्सिला चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एंड्रॉयड फोन में स्पीच सर्विसेज बाय गूगल अपडेट वेटिंग फॉर कनेक्शन, इस एरर को कैसे फिक्स करते हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो आज के वीडियो में देखेंगे। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल है, तो सबसे पहले आपको अपनी सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है गूगल में, उसके बाद नीचे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, सेटिंग्स फॉर गूगल ऐप्स में जाना है। यहाँ पे आपको जाना है सर्च असिस्टेंट एंड वॉइस में, उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है वॉइस। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऑफलाइन स्पीच रिकॉग्निशन, इसको ओपन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे इंस्टॉल्ड या डाउनलोड लैंग्वेजेस हैं। आपको यहाँ पे प्रेस करना है ऑटो अपडेट। यहाँ पे ऑटो अपडेट लैंग्वेजेस और वाईफाई ओनली रहा तो आपको डोंट ऑटो अपडेट लैंग्वेजेस पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ऐसे बैक जाना है, अपना मोबाइल आपको एक बार रिस्टार्ट करना है और आपको चेक करना है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है नहीं बोल के। उसके बाद भी अगर आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आपको बैक जाना है, सेटिंग्स में जाना है, ऐप्स में जाना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है स्पीच सर्विसेज, फर्स्ट स्टॉप पे प्रेस करना है, फर्स्ट स्टॉप पे फिर से आपको प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल एक बार रजिस्टर करना है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आप इस तरह से एंड्रॉयड फ़ोन में स्पीच सर्विसेज बाय गूगल अपडेट वेटिंग फॉर कनेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, सर को फिक्स कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें टेक्सिला चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।